पशुपालन एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि गौ कर देश सेवा के लिए है, इससे किसी पर बोझ नहीं आएगा। इसके लिए शिवराज सरकार ने विस्तृत रूप से योजना बनाई है। मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि गाय हम सबकी माता है, उनकी सेवा करना हमारे लिए जरूरी है। गौ कर देश सेवा के लिए है, इससे किसी पर कोई बोझ नहीं आएगा। उन्होंने कहा राज्य सरकार 4000 गौशाला बनाने जा रही है, पिछली सरकार के अधूरे कार्य को पूरा किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में गौ संवर्धन से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। इस दौरान पटेल ने निःशक्त जनों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कलेक्टरों से कैंप लगवाने की बात कही। कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना से सभी को सावधान रहने की जरूरत है। देखो, गाय माता हम सब लोगों की माँ है, उसकी सेवा नहीं करेंगे तो फिर मतलब क्या। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना और जो वन हो, राजस्व हो, पंचायत हो, ये सब मिलकर गौ माता की सेवा करने के लिए ये दो कैबिनेट बनाई है। अधूरे का जो अधूरत है वो हमने अभी पूरा करना चालू किया है। अभी मेरे द्वारा तलवाड़ा में एक उद्घाटन किया है, बहुत अच्छा मतलब संदेश जा रहा है कि गौ माता के जो गौशाला बनाई जा रही है। हम लोगों की सरकार द्वारा भी अभी 4000 गौशाला खोलने के लिए योजना बढ़ाकर चालू काम करने जा रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।